हेलो क्लास 10, क्या हाल बच्चों? ठीक सबके सर? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लेकर के आ गए हैं अपना आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसके नाम से ही देखो, लीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। लीनियर इक्वेशन का बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या होती है कि आप देखोगे यहाँ कहीं स्क्वायर या क्यूबिक टर्म नहीं मिलेंगे। एक्स और वाई इन्हें को हम वेरिएबल बोलते हैं। ए बी और सी ये नंबर्स होती हैं। यहाँ ए जो है वो एक्स का कोफिशियंट है, यहाँ जो बी है वो वाई का कोफिशियंट है और सी जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो ये लीनियर इसीलिए कही जाती है कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर टर्म नहीं होते हैं। और जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए। इस तरीके से जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, तब इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। यहाँ पर वेरिएबल का मतलब होता है इनकी जगह पर हम मनमानी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो दो पर इसका ग्राफ चलेगा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपकी इस एक्सरसाइज में आपको एक इक्वेशन नहीं मिलने वाली है, एक सिस्टम मिलेगा इक्वेशन का। सिस्टम का मतलब दो इक्वेशन मिलेंगी। तो अगर दो इक्वेशन की हम बात करें तो दूसरी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कभी चेंज नहीं होता। ठीक, अब हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे बच्चों? सेपरेशन के लिए यहां पर हम कोफिशिएंट में वन और टू लगा देंगे। ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी वन। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कैसी इक्वेशंस? लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ये सिस्टम। अब इनको सॉल्व करने के पहले जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आता है कि ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो आखिर हम सॉल्व करके इसमें निकालेंगे क्या? हम सॉल्व करके ये निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, ये हम निकालेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जब इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसी सिचुएशंस बनती है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आप देख लो। जो पहली कंडीशन है बच्चों, अगर ये ग्राफ है, अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ आप अपनी ग्राफ कॉपी पर ड्रा करते हैं और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, फर्स्ट लाइन ये आ गई और सेकेंड लाइन ये आ गई। ठीक, यानी एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। अगर दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक ही क्वाड्रेंट पर खींचने से एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे यही इसका सोल्यूशन होगा। यहां से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगी वैल्यू, ये वाई एक्सिस पे हो जाएगी, और ये बच्चों इसका ऐसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। नोट करते रहिए, यूनिक यानी एक ही सोल्यूशन इसका होगा अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक ग्राफ ऐसे निकल गया फर्स्ट लाइन का, ठीक, और जो सेकेंड लाइन का ग्राफ है बच्चों वो इसी के ऊपर निकल गया ओवरलैप करता हुआ, ये ओवरलैप। ठीक है, अगर ये ओवरलैप हो रहा है यानी लाइन वन और लाइन टू ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहां पर बच्चों हर जगह जो पॉइंट होगा, इस लाइन पे तो करोड़ों पॉइंट होंगे, तो वो सब इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब इस कंडीशन में जो सिस्टम होगा इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, अब थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस बच्चों ये होगा कि आप ग्राफ ड्रा करोगे और एक लाइन ऐसे निकलेगी और सेकेंड लाइन भी इसके पैरेलल निकलेगी। आप देखो
लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, इसका मतलब ये जो सिचुएशन होगी यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं। क्लियर हो गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और तीन कंडीशंस बनती है यूनिक सोल्यूशन। जब किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे ग्राफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस जब ओवरलैप कर जाएंगे और नो सोल्यूशंस जब पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देख लिया बच्चों। अब एक चीज यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि अगर यहाँ पे सोल्यूशन निकल रहा है, यहाँ पर एक सोल्यूशन है, यहाँ पे मेनी सोल्यूशंस हैं, ऐसी सिस्टम जिनमें सोल्यूशन कम से कम एक सोल्यूशन निकल आता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। और जहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। मतलब मैंने कहा कि एक सोल्यूशन तो निकलना ही चाहिए, यहाँ तो एक निकल ही रहा है, यहाँ तो कम से कम क्या बहुत सारे हैं, तो ये दोनों सिस्टम क्या कहे जाएंगे? कंसिस्टेंट। अगर आप एक दूसरे कट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर पैरेलल जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक सम देखते हैं। निकाल लीजिए ग्राफ कॉपी और पेंसिल फटाफट अपनी अपनी, देखिए किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले सुलझाते हैं और अपना सिस्टम नोट करते हैं इक्वेशंस का। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं और लिखा है सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो पहला सिस्टम है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री। ये बच्चों थ्री इधर निकल गया, सी इधर भी ले सकते हैं, और ये हो गया आपका फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई में कहीं भी पावर्स नहीं है, हम इनको सॉल्व करें। ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। इसको हम इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जरा इधर लिख लेते हैं साइड में, इसको बाद में ट्रीट करेंगे। पहले जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखिए, बहुत आसान प्रोसेस होता है, वेरी इजी। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इक्वल के इस तरफ y को छोड़ना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले x को उधर ले जाइए तो हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स। फिर y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स बाई टू। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू x के टर्म में। ठीक, अब ये वेरिएबल है तो यहाँ पे आप फ्री हो, x की जगह आप कुछ भी रखो। ठीक है, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब हमें इसमें होशियारी क्या दिखानी है? होशियारी ये दिखानी है कि यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू रखें कि जब यहां से ऑपरेशन होकर के टू से डिवाइड हो तो पूरी पूरी कट जाए, डेसिमल में ना आए, क्योंकि ग्राफ पे डेसिमल खींचना दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या होशियारी करते हैं, इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी हमको। इस तरीके से छोटी सी टेबल बना लेते हैं और केवल तीन पॉइंट ड्रा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया, एक्स की वैल्यू डालेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखिए अगर हम यहां पर बच्चों, अगर हम यहां पर थ्री रखते हैं, चलिए x इज इक्वल टू थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो पार्ट टू, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम एट x इज इक्वल टू थ्री, जब x इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या आएगा, देखना थ्री माइनस थ्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, जीरो। जब हमने x की वैल्यू थ्री रखी, आप माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो ये होता है कि तीन वैल्यू माइनस की लीजिए, दो वैल्यू, तीन वैल्यू प्लस की, दो वैल्यू माइनस की, लेकिन चलिए ठीक है। फिर y कितना आया, जीरो। नेक्स्ट क्या रखेंगे बोलो जल्दी से। अगर बच्चों हम यहाँ पे वन ले लें, ठीक है वन ले लें, तब क्या होगा, थ्री में से वन गया टू, टू बाई टू वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एट x इज इक्वल टू वन,
हमारा वाई भी कितना आ रहा है, वन आ रहा है, समझ गए। यहाँ पर रखेंगे थ्री माइनस वन टू, टू बाई टू वन, तो एक्स की वैल्यू वन तो हमारी वाई की वैल्यू भी वन। ठीक, एक वैल्यू ले लीजिए, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लें फाइव, तो फाइव ले लीजिए, अगर आप x 5 रखते हैं, देखिए 3 माइनस फाइव माइनस टू, माइनस टू बाई टू माइनस वन आएगा, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू क्या आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, वाई आएगा माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू फाइव पे ये आ गया। अब हम जरा इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है इधर, इधर ग्राफ इसका ड्रा कर लेते, ठीक है, सीधा थोड़ा सा खींचने का प्रयास करेंगे, देखते दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक, बढ़िया, ठीक है। चलिए पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये तो जीरो होगा आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस पे चलेंगे, ये वाई पे चलेंगे, और इधर माइनस एक्स चलेंगे, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट माइनस का भी आ गया है, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, माइनस एक्स इधर चलेगा और वाई माइनस का, ठीक है। चलिए तो मार्क करते हैं पॉइंट्स को, आप अपनी ग्राफ कॉपी में जो खाचे दिए हैं छोटे छोटे स्क्वायर दिए उनको गिन सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल मार्क कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन सेम डिस्टेंस माइनस टू एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू x है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस वन, यहाँ से प्लस वन, जब x पे आप वन चलते हैं तो y पे भी वन चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट मिलाएंगे ऐसे और इसको इधर बढ़ा देंगे, जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे वन कामा वन, ठीक। अच्छा फिर एक्स इज इक्वल टू थ्री पे आप जाते हैं तो वाई जीरो हो जाता है, जब आप एक्स वन टू थ्री पे जाते हैं तो वाई जीरो हो जाता है, यानी कुल मिला के हमारा यही पॉइंट है। उसके बाद जब आप एक्स फाइव जाते हैं तो वाई आ जाता है माइनस वन, तो माइनस वन वाले को आगे बढ़ा लीजिए और इधर फाइव वाले को आगे बढ़ा लीजिए, जहां कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो गया। देखिए एक लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, और इसको हम मिलाएंगे, मिला दें, चलिए आप पेंसिल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया, और ये हमारा ग्राफ किसका है, इसका लिख दीजिए x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री का ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत, चलो देख लो एक बार। तो ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं और सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो चलिए अब ये वाली लाइन नोट करते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, बच्चों इसी पे ग्राफ इसी क्वाड्रेंट पे ड्रा करना है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ वही काम, y को एक तरफ छोड़ेंगे x पूरा उधर ट्रांसफर लेंगे, तो 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3, बस अब आपके दिमाग का खेल स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि वो 4 से मल्टीप्लाई हो, 2 से लेस हो, फिर 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू टू रखते हैं, ठीक, क्या आएगा जरा देखिएगा, एट x इज इक्वल टू टू, तो यहाँ रख दीजिए क्या आएगा, टू माइनस फोर टू जा एट बाई थ्री, तो ये हो गया सिक्स बाई थ्री, यानी माइनस का टू, यानी जब हम x टू जाते हैं तभी बना लीजिए, ये x ये y, जब हम x टू गए हमारा y आया बच्चों माइनस का, ठीक, बस यही पे आपके दिमाग का खेल है, बाकी तो बहुत दीजिए। अच्छा तो अब क्या रखेंगे बच्चों, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 12 में से 2 10 डिवाइड नहीं होगा, 3 रख दीजिए नहीं होगा, 4 रख दीजिए
16 माइनस 2 14 नहीं होगा। अच्छा तो अब आप यहाँ रख दो माइनस वन, आप एट एक्स ने कहा प्लस माइनस कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो 4 वन जा 4 प्लस का हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3, तो वाई आ जाएगा बच्चों 246 बाई 3 मीन्स 2। यानी अगर एक्स आप माइनस वन लेके आते हो, आप पॉइंट कोई भी रख सकते हो, यानी कि आप पहले जो रखे उसी में से आप निकाल लें कुछ भी रख सकते, तो वाई कितना आएगा 2। ठीक है, एक वैल्यू और है बच्चों, उसको निकाल लेते हैं। सोचो जरा सोचो क्या होगी वैल्यू, 4 5 20, अगर 20 माइनस टू यस, एक्स इज इक्वल टू रख दीजिए 5, अगर हम एक्स 5 रखते हैं तो 4 5 हो जाएगा 20, ठीक, और 20 में से 2 निकलेगा, बचेगा माइनस का 18, माइनस का 18 बाई 3 माइनस का 6, यानी अगर हम यहाँ रखते हैं 5 तो ये आएगा माइनस का 6, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमने पहले रखा 2, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया माइनस 6 बाई, ठीक है ये आ गया, फिर हमने रखा माइनस 1 तो 4 1 जा 4 2 6 ये आ गया, फिर मैंने रखा 5 और 5 जा 20 माइनस 18 माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब चलिए आप करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, जब बच्चों आप x इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं यानी यहाँ जब आप आते हैं, ठीक, तो हमें y माइनस 2 जाना पड़ रहा है, नहीं यहाँ जाना पड़ रहा है, तो फिर इसको ऐसे नीचे लीजिए, इसको ऐसे लीजिए, ये हमारा पॉइंट पहला निकला। ठीक है, दूसरा, जब आप x जाते हैं माइनस 1 यानी अब आप इधर आ जाते हैं माइनस 1 यहाँ आ गए, तब y जा रहा है 2 यानी ये जा रहा है, तो फिर आप इसको आगे ऐसे करिए और इसको करिए, जहाँ क्रॉस करेंगे ये पॉइंट, राइट। चलिए अच्छा, फिर आप x गए 5 यानी यहाँ चले गए, फिर y गया माइनस 6, तो माइनस 6 देखिए ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, तो माइनस 6 यहाँ कहीं चला जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, ये माइनस 6 आएगा, तो इधर ये गए और इधर ये गए, तो ये हमारा माइनस 6 वाला पॉइंट आया। अब देखो जब चुजरा मैच करके क्या आता है ग्राफ, चलिए देखते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ये निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, इसको इधर बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इधर बढ़ा लो, ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे इसने कट किया, क्योंकि जब मैंने अभी पॉइंट खींचे थे तो कट नहीं कर रहा था, लेकिन इसने यहां पर कट किया, देखिए कहां कट कर रहा है, इसको जरा देखने वाली बात है, बिल्कुल यहीं पे कट करेगा बच्चों, जब आप पेंसिल से बनाओगे बिल्कुल यहीं कट करेगा, तो ये देखिए y इज इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे कट कर रहा है, यानी बोथ ग्राफ्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, तो कुछ नाम दे दीजिए, p दे दीजिए, एट p, ये क्या होगा, पहले x लिखेंगे माइनस 1, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे कट कर, तो बच्चों जहां पर ये ग्राफ कट कर रहे हैं वही इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब इन दोनों जो लाइंस वाली लिखी हुई थी इनका सोल्यूशन क्या हो गया, माइनस 1 का मा, तो आ गया समझ में, देख लीजिए। तो उस ग्राफ में बच्चों आपने देखा बिल्कुल सिमिलरली ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ भी आपकी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है आपकी 4x - 5y + 16 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं आपके पास, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से y की वैल्यू टर्म ऑफ x निकाली 4x + 16 / 5, 16 को इधर ले जाएंगे, 4x को फिर निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करके, और यहाँ से इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू है 6 - 2x, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू डालना शुरू किया, पहले मैंने माइनस 4 रखा तो y 0 आया, फिर मैंने 1 रखा तो y 4 आया, फिर मैंने 6 रखा तो y 8 आया, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद फिर यहाँ पे यही काम किया, x = 0 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 2 आया, और x = 3 रखा तो 0 आया, तो ये आपके दो टेबल्स यहाँ पर मिल जाती है।
जब बच्चों आप इनका ग्राफ ड्रा करोगे अपनी ग्राफ कॉपी पे, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ड्राफ्ट को करना है और भेजना है सॉल्यूशन करके, ठीक है। ये पहली लाइन का ग्राफ आएगा और ये दूसरी लाइन का ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ आएगा, ये सेकंड का आएगा। जहां पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट आपका आएगा 1.4, आपको शो करना है इस तरीके से आ रहा है, दिखाना है और ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है। क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड, ये आपका ग्राफिकल मेथड है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और अभी यहाँ पर बच्चों एक तरीके से क्वेश्चन और एराइज होता है, जैसे ये आपने ग्राफ देखा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला दिस वन, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जो दोनों ग्राफ से बन रहा है, हालांकि एक यहाँ से बन रहा है लेकिन इसकी बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी। आपसे ये भी पूछेंगे भी क्वेश्चंस में कि इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा कीजिए, फिर देखिए वो कौन सा फिगर इंक्लोज कर रहा है। तो जनरली ट्रायंगल इंक्लोज करेगा, तो अगर ट्रायंगल इंक्लोज कर रहा है बच्चों तो फिर उस ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछ सकते हैं, पेरीमीटर पूछ सकते हैं, उस ट्रायंगल का हमसे पूछ सकते हैं वर्टिसेस क्या है। तो वर्टिसेस लिखना तो इजी है, जैसे ये पहला वर्टिसेस वर्टेक्स हो गया 1.4, इसको आप लिख सकते हैं ये कितना है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये कितना है एक्स और वाई से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानना है तो आज तो नहीं कल जानेंगे, और आप कुछ ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। दो ग्राफ इसको तो ड्रा ही कर लीजिएगा जो दिया हुआ है, उसके अलावा मैं कुछ इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन उनके ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। 4x-5y = 20 और एक आपका है 3x+5y = 50। इसका ग्राफ आप ड्रा कर लीजिएगा और देखिएगा, ड्रा करके व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा कि कैसा आ रहा है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, तो कल हम लोग देखेंगे कि ये जो फिगर इंपोज करेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे, और कल ये भी देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के और कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए करिए इंतजार, पढ़ते रहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मैं अनूप मिश्रा कल फिर आऊँगा आपके लिए लेकर के इसका एक और नया लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।